How my how they will see that this village? So it is not good. If when we will come on road for against the people, against the ठेकेदार and government, then they will against take against ourselves कि हम तुम्हें करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे. हम क्या प्लानिंग बनाए, वी मेक ए प्लान दैट इफ ठेकेदार विल कम हियर देन वी विल रिक्वेस्ट फ्रॉम हिम इफ यू विल मेक लाइक दैट तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ. हम ना लगन दिया सा, हमारे लिए अपना उठा ले जाओ, हम तो गहर में ही पड़ा रहेंगे. सरकार रुपये ले रही है और मेवा न मार रहा मुसलमान, मेवात को कोई ताल खाई ना रहो, मेवात को कोई वाला ही ना रही. वाले यू तो है कि रहा लियो और करो मारो आदमी ने करो, और फिर हमारा रास्ता ना बन रहा. पांच गामन कितने गामन को रास्ता हुई, पांच छह गामन को रास्ता हुई है सवारी इनको. प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन ये तमाम दावे साहब खोखले साबित हो रहे हैं. ताजा मामला पुनाना विधानसभा की 22 के चौधर के गांव सिरोली से सामने आया है, जहां पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि मार्केटिंग बोर्ड के जई और ठेकेदार की मिली भगत के चलते ये सब हो रहा है, जिन्हें कई बार बोला भी जा चुका है, लेकिन न तो जई सुनता है और न ठेकेदार, जिससे जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार को कौन फैला रहा है. इतना ही नहीं, सिरोली गांव के लोगों ने तो यहां तक बताया कि जब उन्होंने ठेकेदार से ज्यादा कहा सुनी की तो उन्हें पुलिस बुलाकर झूठे मुकदमे में फंसाने तक की धमकी भी दी गई. आइए सुनाते हैं आपको क्या है पूरा मामला. समस्या है जी, इसमें गंदा माल लगाया जा रहा है, सही माल लग नहीं रहा, और जो कहा जा रहा है तो पुलिस की धमकी दे, चाहे यहाँ पुलिस छोड़ चाहे मिलिट्री आ जाए, तब भी हम नहीं लगने देंगे इनको. इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है कोई ठेकेदार का, कौन सा भाई उसमें आता बताए, उसमें वो मार्केटिंग बोर्ड में तो बोला है, तो उसने कहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस बुला करके केस बनवा देंगे, चाहे पुलिस छोड़ मिलिट्री लिया है. हमने बोल दिया उससे नहीं लगने देंगे इसको. झांडे से जटाना ठेकेदार मार्केट कमेटी बनवा रहे हैं इसको. क्या आपत्ति आपको इससे बनने में? इसे बिल्कुल रेत लगा रहे हैं इसमें, और हम इसको रेत लगने नहीं देंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए. उसके बाद में फ़ोन पे धमकी देता है ठेकेदार कि मैं पुलिस भेज दूंगा, ये कर दूंगा, चाहे कुछ भी भेज दे, हम तो एक नंबर माल लगाएंगे, ये रेत को लगने ही नहीं देंगे हम बिल्कुल भी. 10 साल में तो ये रास्ता का नंबर आया, फिर भी हम इस रेत को लगा, फिर क्या बात है? कहाँ के लिए जाता है रास्ता ये? झांडे से टू जटाना. कितने गाँव को जोड़ता है ये? तीन तीन चार गाँव उनको जोड़ता है. क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से, सरकार से, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जिसमें एक नंबर काम हो, जो ये ठेकेदार बना रहे हैं इसको, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. रेत को क्यों लगा रहे हैं इसमें,